नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 40 है। दोस्तों, आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ, मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूँ, और पार्ट वाइज में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड और सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप सारे पार्टों को जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, नीचे दी गई अंकों की श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। दोस्तों, ये अंकों की एक श्रृंखला दी गई है, यहां पे खाली स्थान है, यहां पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। दोस्तों, सीरीज से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीरीज के संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। सीरीज में कैसी संख्याएं हैं, कहने का मतलब इसमें 4 है, 6 है, 10 है, 16 है, 26 है, आगे क्या है दोस्तों, गैप है, यहां पे बताना है, ठीक है। तो दोस्तों, ये सीरीज क्या है दोस्तों, क्रमशः आगे बढ़ रहा है, कहने का मतलब है दोस्तों, देखिए ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे, 4 के बाद क्या हुआ, बढ़ा ना 6, फिर 10, फिर 16, फिर 26। तो दोस्तों, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको दो तरीका होता है सॉल्व करने का। एक तो ये होता है आप इसका अंतर देखें, कितना बढ़ा है, 4 से 6 2 बढ़ा, 6 से दोस्तों 10 हुआ, कितना बढ़ा है दोस्तों, यहां पे 4 बढ़ा है, 10 से 16 हुआ, कितना बढ़ा दोस्तों, यहां पे 10 से 16 6, और फिर 16 से 26 हुआ, कितना बढ़ा, 10 बढ़ा। तो अब देखिए दोस्तों, ये 2 4 6 यहां पे 8 होना चाहिए, लेकिन 10 हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां पे दोस्तों, जब यहां पे इतना गैप होने लगे, क्रमशः गैप नहीं चल रहा है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसका एक और तरीका होता है, यहां से भी ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन आपको दूसरा स्टेप पे जाना पड़ेगा। देखिए दूसरा स्टेप ये होता है दोस्तों, 4 2 से क्या हुआ, 2 से 2 4 जोड़ेंगे तो 2 4 जोड़ेंगे 6, 6 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10, 10 और 6 जोड़ेंगे तो 16, आगे कितना बढ़ना है कि बढ़ेगा दोस्तों, 16 बढ़ेगा, और 16 में 26 जोड़ेंगे, 26 में कह लीजिए 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 42 होगा, 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये क्या है दोस्तों, टू स्टेप में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसको टू स्टेप में आपको सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व करने का आसान भी तरीका है। देखिएगा आसान तरीका क्या है दोस्तों, देखिए यहीं पे हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो मैं बोलूं दोस्तों, एक लाइन में ये सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा समझिएगा, ये 4 और 6 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगला संख्या प्राप्त है 10, इसी प्रकार से पिछला एक 6 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या है दोस्तों, अगला संख्या प्राप्त है 16, इसी प्रकार से 10 और 16 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगला संख्या प्राप्त हो रहा है कौन, 26, इसी प्रकार से 16 और 26 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगला संख्या प्राप्त होगा, 16 और 26 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 42, 42 होगा, 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, देखते ही आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 42 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक चीज और बता दूं, लास्ट में दोस्तों आपसे एक होमवर्क के तौर पे, टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी, प्रश्नवाचक चिन्ह है कहां, देखिएगा प्रश्न चिन्ह यहां पे है ना, यहीं पे आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। जब दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे यहां पे 207 कैसे आया, जैसे यहां 207 आया है वैसे भी यहां प्रश्नवाचक चिन्ह पे हम संख्या लाएंगे। तो ये 207 दोस्तों कैसे आया है, आपको कैसे पता करना है, ये 16 है और 7 है, 16 और 7 को दोस्तों हम क्या करें कि यहां पे दोस्तों 207 आ जाए। 16 सत्य क्या होता है, 112 होता है ना दोस्तों, यहां पे गुना करेंगे तो 112 ही होगा, 207 नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, देखिए ये दोस्तों जो 16 है ना, इस 16 का आप स्क्वायर कर दीजिए, 16 का स्क्वायर क्या होगा, 16 गुने 16 यानी कि 256 होता है, ये तो आपको पता ही होगा पहले से। ये 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करके क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिएगा 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, 49 इसमें से आप घटा लीजिए, 49 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 6 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 16 में से 9 जा 7 हो जाएगा,
घटा, फिर 4 में से 4 जा 0, इधर 2, क्या हुआ दोस्तों 207, घटाने पे क्या हो रहा है 207। इसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, 25 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होता है 25 × 25 625 होता है, फिर 21 का स्क्वायर कर लेंगे, 21 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 441 होता है, इसको माइनस करिए ठीक है। 5 में से 1 जा 4 हो जाएगा, इधर 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, इधर 5 में से 4 जाएगा 1 हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों घटा के भी देख सकते हैं 184 होगा। तो यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा दोस्तों 184 आएगा। अब देखिए 184 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर लीजिएगा, किसी में भी कंफ्यूजन होगा या कोई किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है क्या किसी अन्य चैप्टर में भी आपको प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर का नाम दोस्तों नीचे कमेंट कर देंगे, तो उस चैप्टर से भी रिलेटेड मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा दूंगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का है ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा पूछे जाते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है यदि किसी भाषा में स्क्रीम SCREEM को CSERME के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो डाइनिंग DINING को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग से आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे दोस्तों स्क्रीम को ये कैसे लिखा है। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, ज्यादा नहीं। अगर जो दोस्तों देखिए स्क्रीन में कौन कौन से अक्षर है, SCREME है और इसके लिए कोड क्या किया है SCREME किया है, यानी कि दोस्तों एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो स्क्रीन में अक्षर है उसी को ये क्या किया है दोस्तों इधर का उधर कर दिया है और लिख दिया है। तो अब देखेंगे ये कैसे किया है, तो दोस्तों यहां पे थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो यहां देखिए दो अक्षर लीजिए, SC है ना इसको क्या कर दिया है CS कर दिया है, RE है ना इसको ER कर दिया है, फिर EM है ना इसको ME कर दिया है, पलट दे रहे ना दो, इसी प्रकार से हम भी पलट देंगे जिसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है डाइनिंग का, तो डाइनिंग में क्या है दोस्तों DI है, तो इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये ID हो जाएगा ठीक है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों NI है ना, NI को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों IN हो जाएगा, क्या होगा IN हो जाएगा, फिर क्या है दोस्तों NG है, NG को पलटेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा GN हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों IDINGN। देखिए किस ऑप्शन में है IDINGN ऑप्शन नंबर C में, तो आपका ऑप्शन नंबर C दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूं तो शेयर तो जरूर किया करिए दोस्तों, लाइक भी किया करिए और जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं क्वेश्चन को कराता हूं जो एग्जाम में पूछे गए होते हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए, एग्जाम जब आप देंगे तो देखेंगे यही सब क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको सिंपल तरीका भी मालूम रहेगा, आप अच्छे से एग्जाम भी पास करेंगे ठीक है। तो आप हमसे जरूर जुड़िए, वीडियो को शेयर भी जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा पूछे जाते हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद रिक्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करे। दोस्तों ये एक सीरीज दी गई है ठीक है, अनुक्रम मतलब क्या सीरीज, यहां पे एक पद क्या है रिक्त है खाली है, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया क्या करना है दोस्तों, संख्याओं को ध्यान से देखना है, संख्याएं क्या हो रही हैं, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे 78 46 30 22 18 16 प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी संख्याएं क्या है दोस्तों ये क्रमशः घट रही हैं, जब घट रही हैं तो क्या करेंगे दोस्तों देखेंगे कितना घट रही है, ये 78 से दोस्तों 46 हुआ कितना कम हुआ दोस्तों 8 में से 6 जा 2 और इधर 7 3 32 क्या कितना कम हुआ है 32 हुआ है, फिर 46 से 30 हुआ है कितना कम हुआ है 16, फिर 30 से 22 हुआ कितना कम हुआ 8, 22 से 18 हुआ कितना कम हुआ 4, 18 से 16 हुआ कितना कम हुआ 2। अब देखिए कितना कितना कम हुआ, यहाँ पे 32 कम हुआ, 32 का आधा 16, फिर 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, अब कितना कम होगा दोस्तों 1, 1 कम कर लेंगे 16 में से तो क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पे 15 हो जाएगा, आंसर क्या होगा इसका 15 होगा। 15 देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे
अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि हम करंट अफेयर और साइंस जनरल अवेयरनेस के भी वीडियो डेली प्रोवाइड करें, तो दोस्तों आपको बता दूं मॉर्निंग में मैम पढ़ाती है दोस्तों 5 PM पे, सुबह 5 बजे दोस्तों करंट अफेयर की क्वेश्चन लेके आती है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती है, साथ ही साथ दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताती है जितने भी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। और 2 PM पे दोस्तों यानी कि 2 PM पे दोपहर के टाइम पे दोस्तों मैम एक और मैम है क्वेश्चन लेके आती है, साइंस और जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन पढ़ाती है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतरीन ढंग से पढ़ा रही है, सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझाती है, जिससे जितने भी क्वेश्चन से क्वेश्चन जितने बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को वहां पर कवर करती है। तो दोनों क्लासों को मिस ना करिए दोस्तों, दोनों क्लासों को इनको डेली पढ़ा करिए। और दोस्तों 8 PM पे मैं शाम 8 बजे डेली वीडियो लेके आता हूँ, यानी SSC मेगा चैनल पे 3 वीडियो आपको डेली मिलती है, तीनों वीडियो को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए कि अगर आप कोई अन्य चैप्टर या कोई अन्य सिलेबस पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, किसी अन्य टॉपिक को भी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कर देंगे दोस्तों, तो भी चैप्टर हम बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समाज, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। देखिए ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और वेन डायग्राम का क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में कभी भी आएगा, पहले भी बताऊं फिर से बता रहा हूं, जो वेन डायग्राम में शब्द दिया रहेगा, जैसे इसमें शब्द क्या दिया है, समाज, शिक्षक और विद्यार्थी, इन्हीं के बीच क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इन शब्दों पे दोस्तों, आप विचार करेंगे, सोचेंगे कि इनका रिलेशन एक दूसरे से कैसे है, संबंध कैसा है, बस रिलेशन के बारे में पता लगा लेंगे तुरंत आपको आंसर भी पता लग जाएगा। चलिए कैसे सोचना है मैं बता रहा हूं, समाज क्या होता है दोस्तों, जिस समाज में हम लोग जी रहे हैं, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, जिस परिवेश में है ये एक समाज है, ठीक है। और समाज में क्या होते हैं, शिक्षक भी होते हैं, विद्यार्थी भी होते हैं, अन्य भी लोग होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब करना क्या है दोस्तों, एक हो जाएगा ये समाज का सर्कल, और समाज के सर्कल में शिक्षक आ जाएंगे, और क्या आ जाएगा, समाज के अंतर्गत ही विद्यार्थी आते हैं, समाज में ही तो शिक्षक आते हैं, समाज में ही तो विद्यार्थी आते हैं, तो ये इसका वेन डायग्राम इस टाइप से बनेगा। अब देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका आज का क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है, टेस्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या करना है दोस्तों, सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। जिन दोस्तों को नहीं पता है इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो क्या करेंगे दोस्तों, रीजनिंग का पार्ट नंबर दोस्तों क्या है, ये आपका 30 नहीं है, यहां पे आपका जो इसका पिछला पार्ट है ये देख लेंगे दोस्तों, उस पार्ट में मैं क्या किया हूं दिया हूं, अभी मैं बता देता हूं कौन सा पार्ट है। देखिए दोस्तों ये पार्ट नंबर जो आपका है ये 39 का क्वेश्चन है, ठीक है, पार्ट नंबर 39 का ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, और पार्ट नंबर 39 में इसको फुल डिटेल में मैं दोस्तों समझाया हूँ कि इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। और पार्ट नंबर 39 आपको मिलेगा कहाँ से दोस्तों, इसका लिंक दोस्तों यहाँ पे आई बटन पे दे दिया हूँ दोस्तों, आई बटन पे आप क्लिक करके डायरेक्ट दोस्तों पार्ट नंबर 39 देख सकते हैं। एक चीज और बता दूं, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की बुक है, आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, SSC की एग्जाम देंगे, या अगर दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे दोस्तों, इस ईबुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा आपके परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ईबुक को आप लेंगे कहां से, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक पे क्लिक करके इस ईबुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों ये ईबुक है PDF नोट्स की तरह, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी, ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की दोस्तों समस्या भी होती है, तो पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए, जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और एक चीज बता दूं, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर तो जरूर कीजिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो। और जो नए स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे दोस्तों, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा यहां पर क्लिक करके चैनल से जुड़ जाएंगे, बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये ऐसे दिखने लगेगा। जब ये दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज आएगा, तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।